Hello everyone, welcome to class number 105 of the chapter Data Structure. So, आज के class का हमारा discussion का topic है Exchange Sort. So, आज के class में हम देखेंगे कि एक list of data elements को, एक list of data items को एक array में हम कैसे उसको sorting कर सकते हैं, चाहे वो ascending order में हो या फिर descending order में हो, by using Exchange Sort algorithm. तो चलिए शुरू करते हैं discussion. So, exchange sort algorithm के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये sorting होता क्या है. What do you mean by sorting? So, sorting क्या है? Sorting एक process है, जिस process को use करके हम क्या करते हैं, जो हमारा list of data items है, उसको एक proper predefined order में arrange करते हैं, चाहे वो order ascending order हो सकता है, या फिर वो order descending order हो सकता है. वही लिखा है, sorting is the process of arranging data in some predefined order. सॉर्टिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स को एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो वो प्रीडिफाइंड ऑर्डर आइदर असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जिन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हम चाहते हैं उस ऑर्डर में हम इजिली अरेंज कर सकते हैं. सो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जितने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में सीखना है वो है लिस्ट ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो कि अभी आपके स्क्रीन में अवेलेबल हैं. हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज सॉर्ट के बारे में, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, बबल सॉर्ट के बारे में, इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, मर्ज सॉर्ट के बारे में, क्विक सॉर्ट के बारे में, रेडिक्स सॉर्ट के बारे में एंड हीप सॉर्ट के बारे में. इन सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में, जिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का नाम है एक्सचेंज सॉर्ट. तो ये एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम होता क्या है, ये एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज करके हम कैसे सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो ये जो एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम है, ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की तरह ही काम करता है. दोनों सिमिलर वे में काम करते हैं बट दोनों सेम नहीं है. एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है. बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम होता क्या है. एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, एक एरे के हर एक एलिमेंट को उसके बारे बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और जहां पे हमें लगता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं. मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को बाकी पोजीशन की वैल्यू के साथ, मतलब जहां पे हमें लगता है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है वहां पे हम उसको स्वैपिंग कर लेते हैं या फिर उनका पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट में भी होता है. ओके, मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलें कि बबल सॉर्ट हो या फिर एक्सचेंज सॉर्ट हो, वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज करके अगर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं एक लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स को, सो वहां पे हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, बाकी पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे. जहां पे लगेगा हमें कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट के कंपेरिजन में हमारा उस पर्टिकुलर पोजीशन का वैल्यू प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन की वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे या फिर दोनों पोजीशन की वैल्यू को स्वैपिंग कर देंगे. ओके, बट एक्सचेंज सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट के बीच डिफरेंस किस चीज में है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के मैनर में, कंपैरिजन करने के प्रोसेस में डिफरेंट है. दोनों का प्रोसेस मतलब सेम है कि हर एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते करते जाना है, बट दोनों के बीच कंपैरिजन करते वक्त उसका प्रोसेस जो है वो अलग है. जो बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिफरेंस हमें पता चल जाएगा. ओके, सो पहले हम एक्सचेंज सॉर्ट को देखते हैं. तो एक्सचेंज सॉर्ट का एक एग्जांपल लेने से पहले हम यहाँ पे कुछ उसके स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम में हम सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोल रहा है, कंपेयर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द एरे. एरे के फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको पहले कंपेयर करो विथ ईच एलिमेंट ऑफ दैट एरे, एरे के बाकी हर एक एलिमेंट के साथ. ओके, एंड रिवर्स देम इफ दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. और जहां पे कंपेयर करते वक्त आपको लगे कि आपका एलिमेंट प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो उसको क्या करो, स्वैपिंग करो. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. तो ये एक एग्जांपल है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, जहां पे
छह एलिमेंट्स हमारे एरे में स्टोर्ड हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से लेके छोटा एलिमेंट तक अरेंज करके रखेंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे सो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप में हमने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट है उसको बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करो, और जहां पे लगता है कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है कंपैरिजन करते वक्त, उसको स्वैपिंग कर दो। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऊपर और एक चीज लिखा है, देख सकते हो आप, पास वन। ये पास वन मतलब क्या होता है, ये पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है द पास इज डिफाइंड एज वन फुल ट्रिप थ्रू द एरे कंपेयरिंग एंड इफ नेसेसरी स्वैपिंग एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि पास का मतलब होता है एक एरे में कंप्लीट ट्रिप करना, एक एरे में कंप्लीट विजिट करना, हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक पोजीशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना, और जहां पे स्वैपिंग की जरूरत पड़े वहां पे स्वैपिंग करना, उस कंप्लीट एक ट्रिप को एक एरे में हम बोलते हैं पास। ओके, सो यहाँ पे जबकि हम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के लिए कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पास वन। ओके, सो यहाँ पे जब भी हम सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक एरे में, तो एरे डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक पार्ट होता है सॉर्टेड सब एरे और एक पार्ट होता है अनसॉर्टेड सब एरे। सो यहाँ पे जबकि अब तक हमने सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा सॉर्टेड सब एरे और ये वाला पार्ट है हमारा अनसॉर्टेड सब एरे, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे अनसॉर्टेड फॉर्म में है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को पहले कंपेयर करेंगे इसके साथ 69 के साथ। सो यहाँ पे जबकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट से लेके स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा, फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब कहीं पे भी किसी भी पोजिशन में भी अगर हमारे फर्स्ट पोजिशन के वैल्यू से अगर वैल्यू कहीं पे बड़ा आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। 69, 84 से छोटा है, स्वैपिंग नहीं करेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसके साथ, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे फिर हमारे 84 को 76 के साथ, वहां पे 76 भी छोटा है किससे, 76 भी छोटा है 84 से, तो यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं करेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे 84 को फिर किसके साथ, 84 को हम फिर से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, 84 को कंपेयर करेंगे 86 के साथ। तो यहाँ पे जब हम 84 को कंपेयर कर रहे हैं 86 के साथ, तो वहां पे देख सकते हो कि 86 जो है वो 86 बड़ा है। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे भी हमें लगे कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब यहाँ पे जबकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर, बड़ा एलिमेंट। तो यहाँ पे 86 जो बड़ा नंबर है वो पीछे है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे, 84 की जगह पे 86 ले आएंगे, 86 की जगह पे 84 को ले आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो चुका है स्वैपिंग। ओके, स्वैपिंग होने के बाद फर्स्ट पोजीशन में अभी हमारा एलिमेंट क्या है, 86, उसको आगे फिर कंपैरिजन करते करते चलेंगे। सो उसको फिर से कंपेयर करेंगे किसके साथ, 94 के साथ। तो यहाँ पे फिर 86 मतलब फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को जब हम कंपेयर कर रहे हैं 94 के साथ, सो वहां पे 94 बड़ा है, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो हमें फिर से यहाँ पे स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से हम स्वैपिंग करेंगे, 94 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड फिफ्थ पोजीशन में आ जाएगा 86। उसके बाद फिर से हम कंपेयर करेंगे 91 के साथ, और 91 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे हमारे फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को, तो वहां पे फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट बड़ा है, तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमने स्वैपिंग प्रॉपरली कर लिया, और जब हम स्वैपिंग हमने प्रॉपरली कर लिया है तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है, हर एक एलिमेंट के साथ हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है, मतलब हमने हमारा फर्स्ट ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब पास वन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और पास वन कंप्लीट करते वक्त हमें यहाँ पे एक सॉर्टेड एलिमेंट हमें मिल चुका है हमारे सॉर्टेड सब एरे में। ओके, और अनसॉर्टेड सब एरे जो है, ये अनसॉर्टेड सब एरे कहां से है, 69 से लेके 91 तक जो है वो अनसॉर्टेड सब एरे के पार्ट्स हैं, और सॉर्टेड सब एरे में एक पार्ट हमारा ऐड हो चुका है, वो क्या है, 94। ओके, अभी हम क्या करेंगे, स्टेप टू में आएंगे, रिपीट करेंगे वही सेम प्रोसेस को बाकी पोजिशन के एलिमेंट के लिए भी, जैसे कि हमने फर्स्ट पोजिशन के एलिमेंट के लिए किया। ओके, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट में हमने यहाँ पे सॉर्टेड सब एरे में 94 को ऐड किया सॉर्टिंग करके, मतलब कंपेयर करके, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को भी हम अभी बाकी पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके वहां पे जो सेकंड हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम सेकंड पोजीशन में स्टोर करेंगे।
ओके सो 69 को पहले कंपेयर करेंगे किसके साथ, 76 के साथ. ओके सो यहाँ पे हम जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो 76 बड़ा है तो स्वैपिंग होगा, हो गया स्वैपिंग. सेकंड पोजीशन में भी एलिमेंट क्या है, 76, 76 को फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, 84, 84 बड़ा है, फिर से स्वैपिंग होगा. सेकंड पोजीशन में अभी क्या वैल्यू है, 84, उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, 86, 86 बड़ा है, फिर से स्वैपिंग होगा. अभी सेकंड पोजीशन में क्या है, 86, 86 को कंपेयर करेंगे 91 के साथ, तो अभी 91 बड़ा है तो फिर से स्वैपिंग होगा. तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सेकंड ट्रिप भी कंप्लीट कर लिया, और सेकंड ट्रिप या फिर सेकंड पास जब हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पे हमारे जो सॉर्टेड सवेरे है उस सॉर्टेड सवेरे में हमने यहाँ पे और एक एलिमेंट ऐड कर लिया है. ओके उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये बोलता है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू तब तक करो जब तक हम सारे एलिमेंट्स को चेक नहीं कर लेते, जब तक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर लेते. तो यहाँ पे हमने सॉर्टेड सवेरे में 94 एंड 91 दो एलिमेंट को ऐड कर लिया है हमने, और अनसॉर्टेड सवेरे में है 69, 76, 84 एंड 86. ओके अभी थर्ड पोजीशन को हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन की वैल्यू को कंपेयर करेंगे बाकी सारे पोजीशन के वैल्यूज के साथ. ओके ये वाला पार्ट जो है 94 एंड 91 जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट, वो सॉर्टेड सवेरे के पार्ट्स हैं, और बाकी 69 से लेके यहाँ पर जो है ये सारे अनसॉर्टेड सवेरे के पार्ट्स हैं. ओके सो अभी अनसॉर्टेड सवेरे में वही सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे, 69 के साथ कंपेयर करेंगे 76 को. ओके 76 बड़ा है, स्वैपिंग होगा, थर्ड पोजीशन में आ जाएगा 76, और फिर से कंपेयर करेंगे 84 के साथ, 84 आ जाएगा फिर थर्ड पोजीशन में, फिर कंपेयर करेंगे 86 के साथ, 86 बड़ा है तो 86 फिर से आ जाएगा थर्ड पोजीशन में. ओके सो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब थर्ड ट्रिप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, पास थ्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और 86 जो कि हमने यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में सॉर्टेड सवेरे में हमने ऐड कर लिया है. सो सॉर्टेड सवेरे में ऐड हो गया 94, 91, 86, और अनसॉर्टेड सवेरे में अभी है 69, 76, 84. ओके सो अनसॉर्टेड सवेरे में फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. ओके इसका मतलब जो 69 है, मतलब अनसॉर्टेड सवेरे का सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 69, उसको कंपेयर करेंगे बाकी पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ, और जहां पे लगे ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग करेंगे. सो 76 बड़ा है, स्वैपिंग होगा. अभी क्या है यहाँ पे 76, इसको फिर से कंपेयर करेंगे 84 के साथ, 84 बड़ा है, फिर से स्वैपिंग करेंगे. यहाँ पे फोर्थ ट्रिप या फिर फोर्थ जो हमारा पास है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और सॉर्टेड सवेरे में हमने और एक एलिमेंट ऐड कर लिया है, वो है 84. अभी फिर क्या करेंगे, अनसॉर्टेड सवेरे में क्या बाकी रहा, 69 एंड 76. सो फर्स्ट एलिमेंट है 69, फिर से क्या करेंगे 69 को, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को अनसॉर्टेड सवेरे का, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बाकी हैं अनसॉर्टेड सवेरे में उनके साथ कंपेयर करेंगे. तो 76 के साथ कंपेयर करेंगे, 76 बड़ा है, जिसको स्वैपिंग कर देंगे, हो गया स्वैपिंग. फिफ्थ ट्रिप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पास फाइव भी कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद हमने 76 को क्या किया, 76 को हमने हमारे सॉर्टेड सवेरे में ऐड किया, और वहां पे लास्ट में बचा 69, और अगर एक एलिमेंट ही बचता है लास्ट में तो उसको और सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा हमारे किसमें, हमारे सॉर्टेड एरे में. और यहाँ पे हमें मिल गया हमारा कंप्लीट सॉर्टेड एरे बाय यूजिंग एक्सचेंज सॉर्ट. तो एक्सचेंज सॉर्ट में हमने क्या किया, हर एक पोजीशन के एलिमेंट को बाकी पोजीशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, जहां भी हमें लगा कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है हमने स्वैपिंग कर दिया, और फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को स्वैपिंग करने के बाद फिर आगे हमने प्रोसीड किया बाकी एलिमेंट्स के साथ, उसको कंपेयर करते करते गए, जहां भी हमें लगे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है हमने वहां पे सिर्फ स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म किया. उसके बाद उसको सॉर्टिंग करने के बाद उस एलिमेंट को हमने सॉर्टेड सवेरे में ऐड कर दिया, और बाकी जितने एलिमेंट्स बचे अनसॉर्टेड सवेरे में उन वहां पे वही सेम रूल हम क्या करेंगे, वहां पे वही सेम रूल्स हम फिर से अप्लाई करेंगे. वही सेम रूल अप्लाई करके हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हमारे एरे के हर एक एलिमेंट को, हर एक डाटा को हम वैसे सॉर्टेड फॉर्म में सॉर्टेड सवेरे में धीरे धीरे ऐड करते करते जाएंगे, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. तो अगर आपको बोला जाए कि एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वहां पे एरे में यूजर ने जो एलिमेंट इंसर्ट किया है उसको आपको सॉर्टिंग करके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. सो वहां पे उसके लिए कोडिंग हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यूजर से एक एरे लेके यूजर से पहले वैल्यूज लेने पड़ेंगे उस एरे से, मतलब यूजर से उस एरे को यूज करके, चाहे वो ऑर्डर में हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो, प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, जिस ऑर्डर में चाहे उस ऑर्डर में हो चलेगा. ओके मतलब या फिर अनऑर्डर्ड फॉर्म में हो तब भी चलेगा. सो यहाँ पे मैंने लिया एक एरे,
जहां पे हम फाइव एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेंथ, जो कि सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें मदद करेगा। उसके बाद जबकि हम यहाँ पे लूपिंग यूज कर रहे हैं, लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आई एंड जे दो वेरिएबल लिया है। और जब हम सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वहां पे हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है टेम्प वेरिएबल को। सो पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉर लूप। फॉर लूप यूज करके यूजर से क्या करेंगे, पांच एलिमेंट्स यूजर से एक्सेप्ट लेंगे एरे का। ओके, हमने यहाँ पे पांच एलिमेंट यूजर से क्या किया, पांच एलिमेंट्स यूजर से हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यूजर से फाइव एलिमेंट्स एज ए इनपुट लेंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स पहले यूजर से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यूजर से जो फाइव एलिमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो एरे में क्या होगा, स्टोर होगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे फाइव एलिमेंट लिया, सपोज 91, 43, 82, 57, 42, ओके, दिस इज 43। सो यहाँ पे हमने पांच एलिमेंट यूजर से क्या किया, पांच एलिमेंट हमने यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट किया। सो पांच एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, फाइव एलिमेंट्स को यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद अभी हमें इसको सॉर्टिंग करना है। चाहे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वहां पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम। ओके, सो एक्सचेंज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे है 91। सो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 91, उसको हम क्या करेंगे, बाकी पोजिशन के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, और जहां पे भी हमें लगेगा कि वैल्यू जो है हमारा कंपेयर करते वक्त ऑर्डर में नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट पोजिशन के एलिमेंट को बाकी पोजिशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। सो फर्स्ट पोजिशन के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले यूज किया एक फॉर लूप। ओके, उसके बाद बाकी सारे पोजिशन के एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया और एक फॉर लूप नीचे। ओके, सेकेंड फॉर लूप यहाँ पे हमने यूज किया है। सो यहाँ पे जो हमने आई का वैल्यू लिया है वो क्या है, देखो आई का वैल्यू लिया है 0। ओके, मतलब फर्स्ट पोजिशन, और जे का वैल्यू मैंने क्या लिया है, देखो सेकंड फॉर लूप में आई प्लस 1, मतलब सेकंड पोजिशन से हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। ओके, ये फर्स्ट पोजिशन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड पोजिशन की वैल्यू से कंपेयर करते करते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो दोनों फॉर लूप के अंदर कंडीशन हमने क्या लिया है, ए आई लेस देन ए जे। ए आई मतलब क्या, आई का वैल्यू क्या है 0। सो ए 0 में वैल्यू क्या है, ए 0 में वैल्यू है 91। उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कंपेयर करना है ए जे के साथ। ए जे में वैल्यू क्या है, ए वन में वैल्यू, ए जे मतलब ए वन, ए वन में वैल्यू क्या है 43। कंपेयर करो, 94 इज लेस देन 43। रॉन्ग, अगर रॉन्ग है तो इसके अंदर हमें आना नहीं पड़ेगा, सीधा हम कहां पे जाएंगे, सीधा हम यहीं से ही ऊपर चले जाएंगे जे प्लस प्लस के पास। सो जे प्लस प्लस, अभी जे किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट पोजिशन को। सो नेक्स्ट पोजिशन को जब पॉइंट करेगा तब उसका वैल्यू क्या है, 82। फिर से अंदर आएगा, कंपेयर करेगा, ए आई मतलब वही 91, 91 लेस देन 82। रॉन्ग, फिर से ऊपर जाएगा यहाँ पे जे प्लस प्लस, फिर से 57 को पॉइंट करेगा, फिर से कंपेयर करेगा, 91 लेस देन 57। रॉन्ग, फिर से ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, पॉइंट करेगा 42 को, 91 लेस देन 42। फॉल्स, फिर से ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, उसके बाद और कुछ एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पोजिशन में जो एलिमेंट है वो प्रॉपर ऑर्डर में है, उसको हमने हमारे सॉर्टेड सब एरे में ऐड कर लिया है। ओके, ये हो गया हमारा सॉर्टेड सब एरे, और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया हमारा अनसॉर्टेड सब एरे। और अनसॉर्टेड सब एरे में अभी सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 43। अभी हमें 43 को पॉइंट करना है आई के द्वारा। सो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम ऊपर जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अभी आई पॉइंट करेगा किसको, आई पॉइंट करेगा इसको, मतलब ए आई का वैल्यू अभी क्या है, ए आई का वैल्यू अभी है हमारा 43। ओके, सो 43 को हम क्या करेंगे, 43 को हम अभी कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ। ओके, सो अगर आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू क्या होगा, आई प्लस 1, मतलब जे पॉइंट कर रहा है यहाँ के इसको, उसके नेक्स्ट पोजीशन को, मतलब 82 को। सो 43 इज लेस देन 82, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, और हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था टेम्प, अभी उसको यूज करेंगे। टेम्प वेरिएबल में हम क्या करेंगे, ए आई का वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब टेम्प में कितना स्टोर करेंगे, ए आई का वैल्यू क्या है टेम्प में हम स्टोर करेंगे अभी 43। ओके, और फिर ए आई में क्या स्टोर करेंगे, एजे का वैल्यू।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए आई का वैल्यू अगर एजे से छोटा है, सो यहाँ पे एजे का वैल्यू हम ए आई में लाके स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे 43 के जगह पे क्या आ जाएगा, 43 के जगह पे आ जाएगा 82। ओके, और उसके बाद एजे में क्या स्टोर करेंगे, टेम्प में जो वैल्यू है, मतलब टेम्प में किसका वैल्यू है, जो वैल्यू पहले से ए आई में था, और वहां पे स्टोर हो जाएगा एजे के जगह पे 43। ओके, सो अभी हमारे सेकंड पोजीशन में, मतलब जो अभी हम हमारा जो ए आई का वैल्यू है वो अभी क्या है, 82। 82 को फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 57। 82 को कंपेयर करेंगे 82 लेस देन 57, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। फिर कंपेयर करेंगे 82 को 42 के साथ, 82 इज लेस देन 42, तो यहां पे भी कंडीशन फॉल्स है। ओके, इसका मतलब हमें और कोई भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, सेकंड पोजीशन में 82 हमारा सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज हो चुका है, जिसको हम सॉर्टेड सबवेरे में ऐड कर सकते हैं। सॉर्टेड सबवेरे में क्या ऐड हुआ, सॉर्टेड सबवेरे में ऐड हो चुका है पहले 91, और 91 को ऐड करने के बाद फिर हमने ऐड कर लिया है सॉर्टेड सबवेरे में 82 को। ओके, 91 एंड 82 को सॉर्टेड सबवेरे में ऐड करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड सबवेरे में अभी क्या बचा, 43, 57, 42। अभी हम क्या करेंगे, और आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या होगा 2, तो अभी आई किसको पॉइंट करेगा, आई पॉइंट करेगा अभी हमारे एरे के थर्ड पोजीशन को। ओके, जहां पे वैल्यू कितना है 43, जो कि हमारा अनसॉर्टेड सबवेरे का सबसे फर्स्ट पोजीशन है, सबसे फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है, उसको हम अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी नेक्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ, तो आई जे का वैल्यू क्या होगा, आई प्लस वन, मतलब जे पॉइंट करेगा किसको, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को, अनसॉर्टेड सबवेरे के सेकंड एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट क्या है 57, सो 43 इज अ लेस देन 57, ट्रू, तो 43 लेस है 57 से, तो अंदर आएंगे फिर से, टेम्प पॉइंटर को असाइन करेंगे 43, और ए आई की जगह पे स्टोर कर देंगे एजे का वैल्यू, मतलब 57, 57 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर एजे में स्टोर कर देंगे टेम्प का वैल्यू जो कि है 43। ओके, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 43 के जगह पे आ जाएगा कितना, 43 के जगह पे आ जाएगा हमारा 57, और 43 के जगह पे कितना आ जाएगा 57, और 57 के जगह पे आ जाएगा चेंज होके 43। ओके, आ गया। अभी हम क्या करेंगे, फिर से हमारे ए आई, ए आई में क्या है अभी 57, 57 को कंपेयर करेंगे फिर 42 के साथ, 57 इज लेस देन 42, कंडीशन इज फॉल्स, सो यहाँ पे एक्सचेंज करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, सो वहां पे 57 हमारे थर्ड पोजीशन में अरेंज हो चुका है, और 57 को हम क्या करेंगे अभी सॉर्टेड सबवेरे में ऐड कर देंगे, तो सॉर्टेड सबवेरे में पहले से था 91, 82, अभी ऐड हो गया सॉर्टेड सबवेरे में क्या 57, अभी ऑन सॉर्टेड सबवेरे में बचा क्या 43 एंड 42, सो 43 एंड 42 को क्या करेंगे, अभी हम आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस, सो आई अभी पॉइंट करेगा 0, आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू पहले से क्या था 2 था, अभी आई का वैल्यू हो गया 3, सो आई अभी फोर्थ पोजीशन को पॉइंट करेगा, और फोर्थ पोजीशन में 43 है, और जे किसको पॉइंट करेगा, उसके नेक्स्ट पोजीशन को, मतलब फिफ्थ पोजीशन को, आई प्लस 1। ओके, मतलब अगर आई का वैल्यू है 3, सो जे का वैल्यू होगा 4, तो जे पॉइंट करेगा किसको 42 को। ओके, तो 43 को कंपेयर करेंगे 42 के साथ, 43 लेस देन 42, कंडीशन इज फॉल्स, तो ऊपर जाएगा फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, और जब भी वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब और कोई वैल्यू वहां पे एरे में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 43 हमारा सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज हो चुका है, और 42 जबकि लास्ट एलिमेंट है तो वो भी सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज हो चुका है, और वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉर्टेड एरे है वो सॉर्टेड एरे एस्टेब्लिश हो चुका है या फिर क्रिएट हो चुका है, जहां पे हमारा वैल्यूज क्या है 91, 82, 57, 43 एंड 42। ओके, सो पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको एज ए आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट अभी इसको एज ए आउटपुट हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर लूप लेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, वो क्या करेगा हर एक एलिमेंट को एरे का प्रिंट करेगा इक्वल स्पेस प्रोवाइड करके, पहले 91, फिर 82, फिर 57, फिर 43, फिर 42, वैसे प्रिंट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते तो कैसे करते, यहाँ पे हमने जो लिया था ए आई लेस देन एजे, यहाँ पे हम लेते ए आई ग्रेटर देन एजे, बस इतना अगर फर्क करते तो ऑटोमेटिकली वहां पे हम असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, और कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। सो पता चला कि एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके हम कैसे एक एरे के लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो।
उसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज करके, और देखना है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हो या नहीं वही सेम प्रोसेस में जिस प्रोसेस में हमने यहाँ पे अरेंज किया। जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करते थे बाकी पोजीशन के एलिमेंट के साथ और चेक करते थे कहीं बाकी पोजीशन के एलिमेंट का वैल्यू उस पोजीशन के एलिमेंट के वैल्यू से बड़ा तो नहीं है, जहां पे बड़ा है उसको एक्सचेंज करते थे। बट असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस पोजीशन का वैल्यू बाकी पोजीशन के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं वहां पे चेक करेंगे कहीं बाकी पोजीशन का वैल्यू उससे छोटा तो नहीं है, जहां पे उसका वैल्यू छोटा होगा हम वहां पे स्वैपिंग करेंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके तो ओके। सो आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।